नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करने वाले हैं गण गण में देवगण। गण जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान में यह 8 पॉइंट में एक पॉइंट है जिसको 6 नंबर दिए जाते हैं। वास्तव में अष्टकुंड मिलान में गण इसलिए मिलाया जाता है कि हमारी समझ कैसी होगी, हमारा नजरिया कैसा होगा, हमारा जीवन जीने का अंदाज कैसा होगा, जीवन को किस तरह से ले रहे हैं, इसलिए गण मिलाया जाता है। तो आज हम इस पे वीडियो पे बात करेंगे, इसको देवगण क्यों कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कौन से गुण हैं जो इसको देवगण बनाते हैं, सावधानी क्या रखनी चाहिए, कहाँ से सुंदर घटनाएं घटेंगी, किसके साथ आपकी पटरी खाएगी, किसके साथ नहीं पटरी खाएगी, किन किन नक्षत्रों में आप पैदा हुए हैं तो आप देवगण से हैं। तो आरंभ करें चर्चा। उसके पहले विनम्र अनुरोध, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। तो नाम है इसका देवगण। शास्त्रकार कहते हैं कि सुंदरो दानशीलश्च मतिमानः सरलः सदा, अल्पभोगी महाप्रज्ञो तरो देवगणे भवेत। मतलब सुंदरो, सुंदर हैं आप, आकर्षक है। सुंदरता 3 तरह से एकदम देखी जाती है। एक तो आपका भाई वाह जगत में सुंदर है, दूसरे आपके कर्म सुंदर हैं, तीसरे आपके वे आप टॉकिंग सुंदर है। ठीक, तो तीनों में से कोई ना कोई सुंदरता आपके अंदर सुनिश्चित है, तो आप सुंदर हैं, आकर्षक हैं, दानशील हैं, अच्छा बोलने वाले हैं। अब आपको इसको देवगण क्यों कहते हैं, पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, देवगण ये जो गण बनते हैं ना, ये 27 नक्षत्रों के 3 पार्ट करके 9-9 नक्षत्रों को अलग कर दिया जाता है तत्वों के आधार पे। तो देवगण सत्व तत्व को लेकर चलता है, सात्विकता को लेकर चलता है, अच्छा करना, अच्छा सोचना, अच्छे के लिए आगे बढ़ना, ये जो तत्व हैं यही तत्व आपको देवगण बनाते हैं। अब देवगण में आप देखें इसमें जो नक्षत्र हैं, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, ठीक है, श्रवण, रेवती, ये 9 नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तब आप देवगण में हैं। और ये सभी जो नक्षत्र हैं मृदु हैं, इनकी संज्ञा क्या है, मृदु। मृदु मतलब मीठा, मृदु मतलब सरल हैं, लघु नक्षत्र हैं और चर नक्षत्र हैं, ठीक है ना। नक्षत्रों की सौम्यता के कारण ही इन्हें देवगण या देव स्थान मिला हुआ है। आपके हरदम जो कर्मा होंगे ना, वही कर्म ही बताएंगे कि आपकी नियति क्या होगी। तो इन नक्षत्रों की जो स्थिति है, सौम्य है, लघु है, चर है, कंटिन्यू चलते रहते हैं, इसलिए देवगण कहलाते हैं। तो विशेषता क्या है, पता चला देवगण क्यों है। विशेषता ये है कि आप सुंदर हैं, आकर्षक हैं, व्यक्तित्व तो आपका अच्छा है, व्यक्तित्व ही नहीं आपका आचरण अच्छा है। चरण उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनका आचरण अच्छा हो, तो आपके आचरण अच्छे हैं, ईमानदार हैं आप स्थिति के अनुसार, ठीक है ना। ईमानदारी भी स्थिति के अनुसार, नैतिकतावादी हैं, सिद्धांतवादी हैं, ना खाने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सिद्धांतवादी हैं, ठीक है ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अनुराधा में है, वो भी इसी गण से हैं, चरित्रवान है। चरित्र को समझाने का तरीका अपना अपना है, तो चरित्रवान है मोटा मोटा। संस्कारी है, संस्कार, संस्कार मतलब हमारी परंपराएं, परंपराओं के वाहक हैं, मूल्य जो होता है, मूल्य, मूल्यों के वाहक हैं, कोमल हृदय हैं। वाह जगत में कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से सुकोमल है, कोमल ही नहीं सुकोमल है। शास्त्रकार कहते हैं दयालु हैं, मतलब दूसरों के तकलीफों को समझने वाले हैं, दूसरों के पैर में कंटक लगे तो उसके दर्द को महसूस करने वाले हैं, बुद्धिमान हैं, सकारात्मक हैं और सृजनात्मक हैं, मतलब परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, बस हम सकारात्मक ढंग से चलते जाएंगे, ठीक, रार नहीं, जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल आएंगे उसमें काम करेंगे, सकारात्मक हैं और हर परिस्थिति में सृजनात्मक हैं। हर परिस्थिति में जहां भी जाएंगे कुछ ना कुछ करके आएंगे, कुछ ना कुछ बेहतर करके आएंगे। तो ये माता पिता के भक्त हैं, देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, शास्त्र की ज्ञाता हैं। आप
पढ़े हैं ना पढ़े हैं, लेकिन शास्त्र अनुशीलन में आपकी रुचि होगी, शास्त्रों को पढ़ने में आपकी रुचि होगी। जहाँ पे राष्ट्र की बात आएगी, कुल परंपरा की बात आएगी, तो कुल परंपरा राष्ट्र के वाहक हैं आप, ठीक है। ये खास गुण है। जो नौ नक्षत्र है ना, नौ नक्षत्र बहुत कुछ कहते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र, स्टार्ट करते हैं अश्विनी। अश्विनी क्या है? सृजनात्मक है, पहला नक्षत्र है, डॉक्टर का नक्षत्र है, मतलब जिंदगी में डॉक्टर जैसा सृजनात्मक होना है। मृगशिरा क्या है? मंगल का नक्षत्र है, कस्तूरी वाला नक्षत्र है, आपको जिंदगी में कस्तूरी ला के देगा, ठीक। रेवती नक्षत्र मुक्ति का नक्षत्र, जीवन में मुक्त कर देगा। धन देने वाला नक्षत्र है, धन समृद्धि दे देगा। हस्त नक्षत्र मतलब कलाकार हैं आप, आपके हाथ में वो कला है, आपके हाथ में जादू है, जहाँ हाथ लगाओगे वहाँ काम आपका डन हो जाएगा। पुष्य सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है, गुरु की कृपा प्राप्त नक्षत्र है। पुष्य मतलब पोषण करना, खुद खाएंगे दूसरों को खिलाएंगे, ठीक है ना। पुनर्वसु, कोई काम एक बार में नहीं हो रहा कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, फिर से स्थापना करेंगे, भगवान राम जी जैसा श्रम करेंगे और काम कर ले जाएंगे। अनुराधा, उपासना साधना आराधना के लिए पैदा हुए हैं, लोगों की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। श्रवण, भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र है, आप श्रवण में श्रवण कुमार हो सकते हैं, श्रवण में हनुमान जी जैसे हो सकते हैं। स्वाति, फालतू चीज़ों को डिस्कनेक्ट करके बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये जो नक्षत्रों की खूबियां हैं ना, मतलब सकारात्मक होना, रसनात्मक होना और जीवन में नए नए बदलाव लेके आना, ये आपको देवता के तुल्य बनाता है, ठीक है ना। अब आप जहाँ भी जाएंगे, काम काज करेंगे, लोगों से बैलेंस बना लेंगे, घर में भी बैलेंस बनाना आएगा आपको, बाहर भी बैलेंस बनाना आएगा। आप अपनी योजनाओं को समझाने में कामयाब रहते हैं, योजनाओं को क्रियान्वित करने में कामयाब रहते हैं। चित्रकारी, शिल्पकारी, जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ बेहतर करना, उनमें आपको बेहतर फल मिलेगा। अब गण मिलान जब आप करते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज़ों को देखना है कि गण मिलान, तो मोटा मोटा आपको संसार में तीन तरह के लोग मिलेंगे, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन कैसे डिफाइन करेंगे? तो पहले जो स्वर्ग लोक में रहते थे उनको देवता कहा जाता था, देवगण मतलब जो दे सकता है वो देवता है। तीन अलग अलग लोक थे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक। तो स्वर्ग लोक में देवता रहते थे, पृथ्वी लोक में मनुष्य और पाताल लोक में राक्षस। वक्त बदला, जैसे हम त्रेता द्वापर में आए तो सब इकट्ठे हो गए, एक ही लोक में सारे लोग रहने लगे। फिर एक कलयुग आया ना, तो एक ही शरीर में देव तत्व भी है और मनुष्य तत्व भी है और राक्षस तत्व भी है, सततम रज तीनों हैं। तो आज हमारे अंदर देवगण भी है, राक्षस गण भी है, मनुष्य गण भी है, ये वर्तमान स्थिति बनी हुई है। अब नौ प्रकार के गण हो गए, ठीक है ना, और उसमें नौ प्रकार मतलब एक सॉरी नौ नक्षत्रों से तीन प्रकार के गण बने। एक गण जो है नौ नक्षत्रों से बना है, अतः हर नक्षत्र के चार पार्ट हैं, तो नौ तरह के लोग होंगे और चार पार्टों में बांटेंगे तो 36 तरह के लोग होंगे, 36 तरह के लोग होंगे। इन 36 को जब राशि वाइज आप डिवाइड करेंगे तो 432 प्रकार के देवगण के जातक होंगे। कितने प्रकार के? 432 प्रकार के आपको देवगण मिलेंगे, इतना विस्तार है। इसको मेलापक में हम कैसे प्रयोग मिलाते हैं, तो शास्त्रकार कहते हैं कि अगर समानता है, मतलब देवगण देवगण है, बहुत अच्छा है, देवगण और मनुष्यगण है तब भी एक पॉइंट आपका कम होगा, लेकिन मैच करके चलेगा। किंतु देवगण और राक्षसगण है, स्टार्टिंग से झगड़ा होगा, चलने ही नहीं देंगे सर। सकारात्मक नकारात्मक, उजाला उजाला और अंधेरे का संबंध है, एक चल ही नहीं पाएंगे। एक आदमी समाज के लिए काम करेगा, एक आदमी दूसरा सेल्फिश हो जाएगा, बोलेगा नहीं सिर्फ मेरे लिए। इसके शास्त्रकार अपवाद बताते हैं कि यदि जन्म नक्षत्र से 14वां नक्षत्र हो तो दोष का परिहार हो जाता है। आपका जो जन्म नक्षत्र मतलब अश्विनी है आपका, तो 14वां नक्षत्र आएगा, चित्रा नक्षत्र हो जाए, एक का अश्विनी दूसरा का चित्रा हो जाए, तो दोष का परिहार हो जाता है। अगर दोनों की राशि सेम है, नक्षत्र अलग अलग हो सकते हैं लेकिन राशि सेम है, मान लीजिए कोई मिथुन राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, दोनों की मिथुन राशि है, नक्षत्र अलग अलग है, तीन नक्षत्र आएंगे, तब भी इस दोष का परिहार हो जाता है। कुंडली मेलापक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि ये हमारे मूलतः स्वभाव को लेकर चलने वाला होता है। तो देवगण में आप हैं तो ये आपके साथ खासियत है,
कि आप देवत्व को लेकर पैदा हुए हैं, सृजनात्मक शक्ति को लेकर पैदा हुए हैं। तो कुंडली मिलान करते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान। अगली चर्चा अगले वार, तब तक आपके लिए राधे।